सभी मित्रों को मेरा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन और बहुत बहुत आभार जन सरोकार मंच का, जिसने अवसर दिया कविता जब बोलती है। कविता जब बोलती है शीर्षक से ही ऐसा लगता है जो बहुत दिल को छूता है, क्योंकि कविता हमेशा भाव और हृदय को स्पर्श करती है। इसको व्यक्त करने के लिए, इस खुशी को व्यक्त करने के लिए मैं अपने अतीत से कुछ एक संस्मरण भी लाती हूँ, जिसको कि मैं कविता से पहले सुनाना चाहूँगी। दरअसल बात यह है कि जब मेरी पहली कविता, तो मैंने बहुत छोटेपन पर लिखी थी, लेकिन एक बार एक कविता मैंने लिखी और उसको टेबल पर रख करके मायके में छोड़ दी, और छोटे भाई का दोस्त आया, उसने वो कविता पढ़ी, उसने कहा ये बहुत बहुत अच्छी कविता है, वो उसे ले गया। उस समय मैं साहित्य में नहीं आई थी और लिखती भी नहीं थी, तो मुझे पता नहीं चला, बात आई गई हो गई। 15 साल बाद किसी कार्यक्रम में वो दोस्त मुझसे मिला और उसने मुझसे कहा कि मैंने आपकी वो कविता रखी हुई है और जब भी मेरा मन उदास होता है तो मैं वो कविता पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो कविता सकारात्मक थी, उसमें आशाएं थी, जीवन को जीने की कलाएं थी। और मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि वो बहुत अनगढ़ कविता थी, अगर मैं उसे आज लिखती तो उस तरीके से नहीं लिखती। लेकिन कविता चूंकि भावों का स्पंदन है, जो एक व्यक्ति के भाव दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है, जैसे फिल्मी गीत में कहा गया है ना कि जो हमने दास्तां अपनी सुनाई आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई आप क्यों रोए, उसी तरह से कविता एक कवि के भाव को इस तरह से व्यक्त करती है कि वो कविता व्यक्ति की नहीं रह जाती, वो कविता पूरी समष्टि की बन जाती है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी कविता की शुरू करती हूँ। और पहली कविता में कविता पढ़ने, किताब पढ़ने की कला पे ही कहना चाहूँगी, क्योंकि हम किताबें बहुत सारी पढ़ते हैं लेकिन किताबें पढ़ना एक कला भी होते हैं, ये हम बहुत अक्सर हम इस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते हैं, और अक्सर हमें लगता है कि किताब पढ़ना भी क्या कला है, किताब बस पढ़ी और रख दी। तो मैं अपनी कविता की पुस्तक जीवन का रेखा गणित से एक कविता लाई हूँ। कविता का शीर्षक है किताब पढ़ना भी एक कला है। तो शुरू करते हैं। कुछ किताबें पहले पन्ने से ही लगती हैं बतियाने, घर द्वार यहाँ वहाँ के किस्से, सास ससुर के ताने, पति से नोक झोंक लगती है किसी बचपन की सहेली जैसी, लगती हैं किसी बचपन की सहेली जैसी, कुछ शुरू में करती हैं संकोच, कुछ झिझक के साथ खोलती हैं दिल की पट्टी, अंत तक थाम लेती हैं गहराइयों से हाथ, लेकिन कुछ लगती हैं अबूझ पहेली सी, एक बार पढ़ने के बाद जैसे छिपा रखा हो बहुत कुछ मन की अतल गहराइयों में, पर क्या नहीं बांटती वो मन जरा सा भी, बांटती खोलना कुछ और गिरहें, थोड़ा डूबना, थोड़ा और डूबना, हर बार खुलती हैं कुछ नई सीपें और मिलते हैं नए मोती, हर किताब बहुत कुछ कहती है, हर किताब नहीं लिखी जा सकती किसी दूसरी किताब की तरह, हर किताब नहीं पढ़ी जा सकती किसी दूसरी किताब की तरह, क्योंकि किताब पढ़ना भी एक कला है। इसके साथ ही जो दूसरी कविता है वो जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगी, वो कविता है सुंदरता की दुकान या अवसाद का सामान। दरअसल ये कविता उस फैशन इंडस्ट्री पे या ब्यूटी पार्लर इंडस्ट्री पे कटाक्ष की तरह है, जो महिलाओं के अंदर इतनी हीन भावना भर देती है, जो उनकी नैसर्गिक, ठीक है आज जब सारे कैमरे ही ऐसे हो गए हैं कि आपका नेचुरल चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन उससे उतना फर्क नहीं पड़ता जितना ब्यूटी पार्लर में जाकर के वो महिलाएं इतना मन में आत्मविश्वास कम कर देती हैं, जिसके कारण किसी स्त्री को लगता है कि वो समाज का सामना तभी कर सकती है जब वो ज्यादा सुंदर दिखे। तो समाज में सुंदर दिखना एक स्त्री के ऊपर इतना दबाव है, उसी को व्यक्त करती है ये कविता सुंदरता की दुकान। देश की राजधानी में हर छोटी बड़ी गली नुक्कड़ में कुकर मुत्ते की तरह उगी हुई हैं सौंदर्य की दुकानें। देश की राजधानी में हर छोटी बड़ी गली नुक्कड़ में कुकर मुत्ते की तरह उगी हुई हैं सौंदर्य की दुकानें, जो सुंदरता के पैकेट में बेचती हैं अवसाद का सामान, असंतोष, तुलना और हीन भावना। यहाँ आदमकद शीशों के सामने बैठी मिल ही जाती हैं 7 से 70 साल की स्नो वाइट की अम्माएं। स्नो वाइट जो पूछती थी बता मेरे शीशे सबसे सुंदर कौन है, तो इस सबसे सुंदर कौन या सबसे दूसरों से ज्यादा सुंदर दिखने की जो ललक है वो कैसे हीन भावना से ग्रस्त करती है और कैसे फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसका फायदा उठाती है।
या आदम कद शीशों के सामने बैठी मिल ही जाती हैं 7 से 70 साल की स्नो वाइट की अम्माएं पल पल पूछती प्रश्न, बता मेरे शीशे सबसे सुंदर कौन। शीशे के मुंह खोलने से पूर्व आ जाती हैं परिचारिकाएं, कहती हैं मुस्कुराते हुए, ठहरो मैं बनाती हूँ तुम्हें सबसे सुंदर। भौं को तराशती, चेहरे की नाक थोड़ी की मसाज करती, पिलाती जाती हैं घुट्टी धीरे धीरे देह के आकर्षण की। कितना आवश्यक है सुंदर दिखना, कि खूबसूरत चेहरा है एक चुंबक, प्रेम की पहली पायदान। कमजोर सबल शिथिल अशिक्षित महिलाओं के मन में गुतने लगते हैं प्रेम के दैहिक मापदंड, बिकने लगते हैं महंगे सौंदर्य प्रसादन। कमजोर सबल शिक्षित अशिक्षित महिलाओं के मन में गुतने लगते हैं प्रेम के दैहिक मापदंड, बिकने लगते हैं महंगे सौंदर्य प्रसाधन। पार्लर के माया जाल में जकड़ी मासूम महिलाएं दे बैठती हैं वरेता दैहिक सुंदरता को आत्मिक और बौद्धिक सुंदरता के ऊपर। नहीं रह जाता चर्चा का केंद्र मंगल अभियान, प्रधानमंत्री का भाषण, कश्मीर की बाण, रह जाती है चर्चा सिमट कर मात्र तेरी कमर 28 तो मेरी 32 कैसे। रह जाती है चर्चा सिमट कर मात्र तेरी कमर 28 तो मेरी 32 कैसे। आती है सहज ईर्षा दौड़ती ट्रेडमिल पर, गिनती एक एक कैलोरी, चेहरे का एक पिंपल, कभी नाक का आकार, कभी कोई तिल, तोड़ कर रख देता है सारा आत्मविश्वास। जिंदगी सिमट कर रह जाती है देह के मापदंडों में, खरीदती है नया प्रसाधन, आ जाता है नया अवसाद। वो 5 साल की गुड़िया, बचपन से ही सुंदरता की दुकानें कैसे कैद में लेती हैं, वो 5 साल की गुड़िया खेलती है बारबी डॉल से, जो मासूम बच्चों के मन में गढ़ती है देह के सौंदर्य की परिभाषा। आह हो गया है गुड़िया का बचपन, आह हो गया है गुड़िया का बचपन। इसीलिए तो बड़ी अदा से तरण ताल में उतरती है 2 पीस में, शायद दिखना चाहती है जवान उम्र से पहले, क्योंकि नन्ही उम्र जान गई है व्यर्थ है बच्चा दिखना। नन्ही उम्र जान गई है व्यर्थ है बच्चा दिखना, जवान ही है आकर्षण का केंद्र। आ से आ ई सीखने से पहले सिखा दी गई है माँ ने दैहिक आकर्षण की परिभाषा। 16 से 20 साल की चंचला, स्वीटी और पिंकी इस उम्र में कैरियर की जगह करती है फिक्र जीरो फिगर की। इतनी इस कदर की कंकाल मात्र देह लगने लगी है वजनी, शिकार है एनोरेक्सिया नर्वोसा की। बैठा लिया है गणित खाने व वजन के बीच, खाना खाते ही करती है उल्टी, जैसे पाप है अन्न खाना। सूखी देह में पड़ गई हैं झुर्रियां, बंद हो गया है मासिक चक्र, दिमाग में बेवजह की उलझन। बस एक ही है भय, कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए, बस एक ही है भय कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए। इसके लिए कृशकाय होना ही सुंदरता है। एक बड़े मॉल में आंखों में आंसू भरकर महिला परिचारिका से करती है बहस कि ट्रायल रूम में अंता वस्त्रों की फिटिंग देखने जाने दिया जाए उसके पति को भी। बड़े घरों की हस्ती मुस्कुराती दिखती है महिलाएं भयंकर अवसादग्रस्त हैं, जिन्होंने देह की सुंदरता को ही प्रेम का आधार मान लिया है। दिन रात डरती हैं सौंदर्य के ढलने से, अस्वीकृत होने से। यौवस्था के खोने के भय से प्रौढ़ महिलाएं उम्र से कम दिखने के असफल प्रयास में डालती है FB पर सुबह शाम अनेक मुद्राओं में फोटो, छूटी वाहवाह और लाइक, और पीछे हंसते लोग कहां पढ़ पाते हैं उनका अवसाद। कि बाजार के पढ़ाने पर सौंदर्य को ही माना था अब तक थाती, अब रिक्त हाथों में भर रहा है अवसाद। सौंदर्य के बाजारवाद की शिकार फेयरनेस क्रीम में खोजती है जीवन का उजलापन। सौंदर्य के बाजारवाद की शिकार फेयरनेस क्रीम में खोजती हैं जीवन का उजलापन मासूम लड़कियां। एक के बाद एक खरीदती हैं अवसाद का सामान, ज्यादा से ज्यादा सुंदर दिखने की होड़ में हर सुबह पालती हैं एक नई उम्मीद। हर रात सौगात में मिलता है एक नया अवसाद, जिसमें स्वयं ही अस्वीकार करती हैं स्वयं को, आंकती हैं खुद को खुद से कमतर। मुस्कुराता है सौंदर्य प्रसाधन उद्योग, यही तो वो चाहते थे। मुस्कुराता है सौंदर्य प्रसादन उद्योग, क्योंकि यही है उनकी पूंजी। अब गढ़ेंगी नारी के वो अपनी परिभाषा में, कर देंगी सिद्ध देही तो है नारी। चलेगा उनका बाजार, छली गई नारी खुद को डालेगी सुंदरता के सांचों में, ढूंढेगी तृप्ति प्रेम के दहक रूप में, रह जाएगी बार बार हर बार अवसादग्रस्त और अतृप्त।
तो अब मैं एक इसी संग्रह से एक दूसरी कविता आप सबके साथ शायर करना चाहती हूँ। कविता का नाम है सूड़े कूड़े की संस्कृति। ये कविता आप सुनेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से बच्चियों को अवैध मान करके कूड़े में जो फेंक दिया जाता है, उनकी व्यथा, उनकी कथा, उनका जीवन कैसे चलता है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए खोली थी उसने आंख। अस्पताल के ठीक पीछे बने कूड़ा घर में, जहां आस पास इधर उधर बिखरा पड़ा था कूड़ा ही कूड़ा, जबरन खींच कर निकाले गए कन्या भ्रूण, कुछ सीरिंज, प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन वगैरह अपशिष्ट पदार्थ, जो भींच कर हृदय से लगा लेना चाहते थे, उसे छलक आई थी ममता, जैसे हो वो उनका ही हिस्सा। यही कूड़े की संस्कृति है, जिसे माँ ने त्याग दिया, उसे कूड़े ने अपना लिया। नन्ही नन्ही आंखें टुकुर टुकुर ताक रही थी अपने चारों ओर, नाक पर रुमाल रखकर खड़ी पत्रकारों की भीड़, जिनके लिए वो थी एक खबर। दिल्ली के एक प्रसिद्ध अस्पताल के बाहर कूड़े में फेंकी गई बच्ची, समाज का विद्रूप चेहरा, दोषी कौन। इस खबर के छपने से मिले पैसों से शायद कोई लाए पत्नी के लिए साड़ी, बेटे के लिए किताबें, या चुकाए पंसारी का बिल। वहीं बड़े बड़े कैमरे थामे तमाम चैनल वाले, जो दिन भर उसका चेहरा टीवी पर दिखाएंगे। कई छोटे बड़े नेताओं के बीच चलेगी बहस, वामपंथ, दक्षिणपंथ, चरमपंथ, गरमपंथ के बीच। बंद करो वैलेंटाइन डे, लिविन का नतीजा है कूड़े में फेंकी गई बच्ची। नहीं, औरतों पर अत्याचार, धोखा, फरेब का नतीजा है या सामंतवादी सोच, जिसमें एक माँ विवश है अपनी कन्या संतान को कूड़े में फेंकने के लिए। सब एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठ चिल्लाने वाले प्रतीक्षा करेंगे, शायद शायद किसी बड़े नेता की दृष्टि उन पर पड़ जाए या अगले चुनाव का टिकट मिल जाए। बीच बीच में विज्ञापन कंपनियां परोस देंगी विज्ञापन, लो कैलोरी डाइट के, फेयरनेस क्रीम और डिओडोरेंट के। इन सबसे बेखबर कहाँ जानती है माँ के दूध के लिए बिलबिलाती वो मासूम सी बच्ची की कूड़े में कूड़े की तरह पड़ी। इन सबसे बेखबर माँ के दूध के लिए बिलबिलाती वो मासूम बच्ची कूड़े में कूड़े की तरह पड़ी, कि वो पाल रही है कितनों के पेट। यही कूड़े की संस्कृति है। उसके जन्म को महापाप घोषित करने वाले पुजारी, मौलवी, पादरी अपने अपने ईश्वर आलयों में बैठ करेंगे सिरफुटफल। उनके धर्म का एक सदस्य कहीं कम ना हो जाए। ओवर टाइम का बहाना बना रेड लाइट एरिया में जाने वाला ननकू टीवी के सामने पापड़ चबाते हुए कोसेगा पूरी आदमजात को। बगल में बैठी भिंडी काटती उसकी पत्नी देगी ईश्वर को धन्यवाद कि उसका पति ऐसा नहीं है। बगल में बैठकर भिंडी काटती उसकी पत्नी ईश्वर को देगी धन्यवाद उसका पति ऐसा नहीं है। 10 बरस से सूनी को कदर भोगती सुधा कातर दृष्टि से देखेगी सास को, जो ना 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 ऐसा सोचियो भी ना कहकर खून के वैज्ञानिक वर्गीकरण को झुटलाते हुए घोषित कर देगी उसे गंदा खून। सुबह की सुर्खियां बनी वो बच्ची शाम तक भुला दी जाएगी पुराने अखबार की तरह। जानती थी शायद जन्मदात्री माँ इंसानी फितरत को, इसीलिए तो फेंक गई थी इस कूड़े में कि लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे, कोई पालेगा नहीं उसे। पर कूड़ा पाल ही लेता है कूड़े को, यही कूड़े की संस्कृति है। सही है, सब फेंक देते हैं कूड़ा, सब फेंक देते हैं कूड़े को घर के बाहर, पर कूड़ा कभी नहीं फेंकता किसी को। समा लेता है अपने अंदर हर कीच, हर गंदगी, हर पाप, हर पुण्य। मिल ही गया था उसे घर कूड़े के पास, मिल ही गया था उसे घर कूड़े के पास, किसी झुग्गी में जहां कूड़े को बीन बीन कर खाई जाती थी रोटी, गोल गोल, बिल्कुल आम घरों की तरह। भर ही जाता था पेट, पर अपरिचित ही रहता डकार का स्वाद। शाम को खेला जाता मनपसंद खेल, बजबजाते सीवर में धागे के साथ चुंबक डालकर खोजे जाते थे सिक्के, जो तथाकथित साफ खून वालों की गंदगी के साथ समा गए थे नालियों में। वह चंद सिक्के ला देते थे मुस्कुराहट, बेतरतीब बाल और मैले कुचैले कपड़ों में कूड़े के साथ कूड़े की तरह बढ़ते इन बच्चों में। यही कूड़े की संस्कृति है। एक दिन आ ही गया कूड़े का व्यापारी गली गली घूमते हुए, जिसकी तेज पारखी निगाहें जानती थीं
खरपतवार की तरह बढ़ते हुए कूड़े में भी बांटा जा सकता है लिंग और रंग के आधार पर। कि बड़े बड़े बंगलों, महलों से लेकर रिक्शे वालों, खोमचों वालों तक हैं कूड़े के खरीदार। हाँ, बनकर उसकी पहली पसंद चल दी थी उस व्यापारी के साथ, अब वो 13 वर्ष पुराने कूड़े की बिटिया चल दी थी 13 वर्ष पुराने कूड़े की बिटिया अनभिज्ञ अनजान सी कि कूड़े की भी लगती हैं बोलियां कुछ ज्यामिति आकारों के आधार पर। कूड़े के दामों में भी आता है उतार चढ़ाव, सफेद और काले रंग से, कच्ची पक्की उम्र से, यही कूड़े की संस्कृति है। अब हो गई थी उसकी उन्नति, अब हो गई थी उसकी उन्नति। वो कूड़े से बन गई थी कूड़ा घर, जो निकलती थी रोज अपशिष्ट पदार्थ, जलती थी हर रात अपनी चिता में, दफन करती थी अपने मानवीय अधिकारों को, अरमानों को, हर सुबह सूर्य की लालिमा में जानती थी दफनाया जलाया जाना ही कूड़े का प्रारब्ध है। अक्सर इस कूड़े को खाकर बढ़ जाता था उसका उदर, अक्सर इस कूड़े को खाकर बढ़ जाता था उसका उदर, आने लगती थी डकार, मिचलाता था जी और बढ़ जाता था थोड़ा सा कूड़ा किसी मंदिर मस्जिद के प्रांगण में, किसी गटर के पास, किसी निर्जन स्थान में या किसी अस्पताल के पीछे। चाहे कुछ भी कर लो, कूड़ा कूड़े को जन्म देता ही है, यही कूड़े की संस्कृति है। कब समझेंगे सफेद पोश, कब समझेंगे यह सफेद पोश जो बड़े बड़े बंगलों में, आलीशान मकानों में बैठे हैं। जरा रुकें ठहरें कि अपनी चेत जाएं कि उनका क्षणिक उन्माद जन्म देता रहा है, जन्म देता रहेगा कूड़े को, और कूड़ा कभी घटता नहीं है, वह बढ़ता जाता है दिन दूना रात चौगना, इतना इस कदर कि लीलने लगता है सुख शांति को, चबा डालता है सभ्यताओं को, जिसके नीचे दबकर मर जाते हैं मानवीय अधिकार, आने लगती है सड़ान मरे हुए जिस्मों की जिंदा रूहों से, यही कूड़े की संस्कृति। पर्यावरण की समस्या को उठाती हुई मेरी अगली कविता है विकास और विनाश। विकास के लिए जिस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, उससे आगे आने वाला प्रकृति पे क्या संकट होगा, उसके विषय में हम नहीं सोचते हैं। हमारी ये जो पीढ़ी है, ये नो रिटर्न जोन की आखिरी पीढ़ी है, इसके अगर हम नहीं चेते तो इसके बाद पृथ्वी का जो विनाश का दौर शुरू होगा वो रुकेगा नहीं। अभी हम कोविड में देख चुके हैं, पर आगे भी हम चेत नहीं रहे हैं। तो उसी भाव को समेटे हुए ये कविता विकास और विनाश। धड़ाम, आरी के अंतिम प्रहार पर जोर की आवाज के साथ गिर गया मीठी नीम का पेड़। आरी के अंतिम प्रहार पर जोर की आवाज के साथ गिर गया मीठी नीम का पेड़, क्योंकि यहाँ बनाई जानी है विशाल अट्टालिका जिसमें होंगे कई घर। पर उजड़ गए हैं कई घोंसले, फूट गए हैं उसमें रखे अंडे, अतखिली रह गई हैं कुछ कलियां और वो पत्तियां जो सूर्य के ताप में पका रही थी भोजन अपनी अपनी रसोई में। अतखिली रह गई हैं कुछ कलियां और वो पत्तियां जो सूर्य के ताप में पका रही थी भोजन अपनी अपनी रसोई में। मिट्टी में आन गिरी है बेसुध सी, साथ ही मिट्टी में मिल गया है उनका अतपका खाना, पर शरीर साथ ही मिट्टी में मिल गया है उनका अधपका खाना, पर जमीन में छिपी जड़ें शायद अभी नहीं जान पाई, पर जमीन में छिपी जड़ें शायद अभी नहीं जान पाई हैं कि मौत आई है। तभी तो किसी पुरखिन की तरह लगी ही खींचने में पानी, अपने काम में तल्लीन, पत्ती पत्ती तक पहुंचाने हैं मिनरल विटामिन, शायद कल परसों उन्हें चलेगा पता, नष्ट हो गया उनका पूरा कुनबा, जिसके लिए गाए थे सोहर गीत, कब की खत्म हो गई हैं हाल हुई वो कलियां, जिसके लिए गाए थे सुहर गीत, कब की खत्म हो गई हैं हाल हुई वो कलियां, बुझ गए हैं जलते चूल्हे और गर्म होता था जिनकी बढ़ती कद काठी से, गर्म होता था जिनकी बढ़ती कद काठी को देखकर प्यार से पाली गई वो डालियां, चढ़ गई हैं विकास की भेंट, कूट कर छाती तब करेंगी आर्थना, कूट कर छाती तब करेंगी आतनाद, रोएंगी चिल्लाएंगी कोसेंगी मानव समाज को, उसके तथाकथित विकास को मातम मनाएंगी और फिर वो भी मर जाएंगी। बरसों बाद भूल जाएंगे जिन्हें अट्टालिकाओं में रहने वाले जमीन के अंदर दफन
ऐसे ही तमाम जड़ों की अस्थियां जमीन के अंदर दफन, ऐसी ही तमाम जड़ों की अस्थियां किसी नए उजाड़े गए अपने वंशज की करुण पुकार पर गिरते जल स्तर वाली सूखी भुरभुरी मिट्टी पर उठ किसी फिनिक्स की तरह मिला लेंगी हाथ से हाथ। विकास के नाम पर उजाड़े गए अपने कुनबे का लेने को बदला, जब तेज चीखों के साथ वो हिलाएंगी धरती को जोर जोर से, जब तेज चीखों के साथ हिलाएंगी वो धरती को जोर जोर से और वो ऊंची अट्टालिकाएं जमीन पर आ जाएंगी धड़ाम। प्रकृति की अनदेखी करता विकास का यह खेल चढ़ जाएगा विनाश की भेंट। प्रकृति की अनदेखी करता विकास का यह खेल चढ़ जाएगा विनाश की भेंट। जैसा कि आप सब ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि प्रकृति बदला लेती है, पानी बदला लेता है, तो प्रकृति इस तरह से बदला लेती है। हम सोचते हैं कि आज हम लूट रहे हैं, प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, तो हम ज़्यादा उससे विद्वान हैं, हमने ज़्यादा समझ अर्जित कर ली है, लेकिन प्रकृति का बदला ऐसा होता है कि इंसान को ना केवल उसके लिए खतरा है, स्वयं की जान के लिए खतरा है, अपनी पीढ़ियों के लिए खतरा है, बल्कि पूरे जीव जगत के लिए खतरा है। तो अभी भी चेत जाने का समय है। एक कविता, ये गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों को, जिसको कि मैंने बहुत पहले अपनी डायरी में लिखा था। गीत का शीर्षक है स्वीकार करूं तुमको। जीवन अच्छा है बुरा है, सुख है दुख है, सबकी मिली जुली पहेली है और हमको स्वीकार करना ही पड़ता है। दुख हो या सुख हो, जीवन को समग्रता से स्वीकार करने से ही हमारे आगे के रास्ते सार्थक होते हैं, सफल होते हैं। इसी भावना को व्यक्त करता है गीत स्वीकार करूं तुमको। जीवन तुम जैसे भी हो स्वीकार करूं तुमको, जीवन तुम जैसे भी हो स्वीकार करूं तुमको, जो मिला नहीं उसकी तृष्णा, जो पाया उससे वितृष्णा, पल पल छिन छिन ये सोच सोच क्यों बेकार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। माना की है रात पड़ी, छट्टा नहीं तम एक घड़ी, आ मावस की रात आ त्योहार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। आंखें जो हैं मेरी नम, आंखें जो हैं मेरी नम, औरों के दुख भी औरों के दुख हैं क्या कम, आंखें जो हैं मेरी नम औरों के दुख हैं क्या कम, आंसू तुम मेरे निकल बहो, गलहार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। वो अग्नि की जिसमें स्वप्न जले, वो अग्नि की जिसमें स्वप्न जले, वो ताप की जिसमें मन पिघले, आमंत्रण देती उन सबको, आ प्यार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। जो छूट गया सो छूट गया, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, जो छूट गया सो छूट गया, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, नव अरमानो आ जाओ अब साकार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। वो सूत्र जो पीछे छूट गए, वो धागे जो कहीं टूट गए, चुन चुन कर उनको बीन बीन परिहार करूं तुमको, स्वीकार करूं तुमको। जीवन तुम जैसे भी हो स्वीकार करूं तुमको। इसके साथ ही आजकल मैं दोहे लिख रही हूं, तो मैंने सोचा कि काव्य की दूसरी विधाओं पर भी हम बात करें और उनको भी, तो नैनो पर कुछ दोहे लिखे हैं जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूं। अधर भले ही ना कहें भीतर के उत्पात, नैना गुपचुप बोल दें छुपी हृदय की बात। घिरे झुर्रियों से नयन अनुभव की सोपान, पलक झपकते दे बता अपना संचित ज्ञान। भाव भरे नैना लगें खिले कमल जल बीच, शब्द शब्द से बह उठें ले पलकें जब नीच। भाव भरे नैना लगें खिले कमल जल बीच, शब्द शब्द से बह उठें ले पलकें जब नीच। जब तब सारे व्यर्थ हैं, व्यर्थ सभी हैं दान, अगर खिलाते हो नहीं नैनों में मुस्कान। जल्दी जल्दी जो चले पुतली दोनों ओर, प्रेमी की जो पुतलियां होती हैं, जो अपने प्रेम को छुपा रहा होता है उसकी पुतलियां दोनों तरफ चलती हैं, तो जल्दी जल्दी जो चले पुतली दोनों ओर, प्रियतम से कैसे छिपे मन की प्रेमिल, मन का प्रेमिल चोर। जल्दी जल्दी जो चले पुतली दोनों ओर, प्रियतम से कैसे छिपे मन का प्रेमिल चोर। मिलते ही पीसे नयन बिजली दौड़े गात, चकमक सा पाथर बने दो जोड़ी जलजात। बने मौन जब बांसुरी नयन चलावे तीर,
अंग अंग नाचे मगन मनवा होए अधीर। नैना माना हो भले मन प्रवेश के द्वार, नैना माना हो भले मन प्रवेश के द्वार, गुण ही केवल दे सके टिकने का आधार। मोह और माया दुई नाच नचावे जोर, मोह और माया दुई नाच नचावे जोर, नैनो के बसमूद दे टूटे सबकी डोर। नैनो के बसमूद दे टूटे सबकी डोर। अब कुछ कुंडलियां छंद मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगी। प्राणी आलस भी सुनो, कुंडलियां छंद की यह विशेषता होती है कि इसमें एक दोहा और एक रोला होता है और जिस अक्षर से जिस शब्द से शुरू होता है अंत में वही शब्द आता है, यानी जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है वैसा ही इसका भी आस्वाद होता है। प्राणी आलस भी सुनो माया का है पाश, सुख की रस्सी थाम के करे समय का नाश, करे समय का नाश स्वयं मन को सहलाता, कह करके वैराग शिथिलता को अपनाता। सुन गीता के श्लोक कर्म की बोले वाणी, तेरा सुख प्रमा तर्क संगत ना प्राणी। मैं है मन के केंद्र पर मन मैं का विस्तार, मैं है मन के केंद्र पर मन मैं का विस्तार, अहम की तुष्टि के लिए प्रयत्न करे हजार, प्रयत्न करे हजार पर सुख ठहर न पाए, सबका लगे अति नजर अपना कम आए। प्रयत्न करे हजार पर सुख ठहर न पाए, सबका लगे अतीव नजर अपना कम आए। पाए मन्ना चैन काहे घर, पाए मन्ना चैन काहे घर को भरे है, व्यर्थ सभी सावान जब तक बोध में मैं है। पाए मन्ना चैन काहे घर को भरे है, व्यर्थ सभी सावान जब तक बोध में मैं है। जो है मैं आप लोगों को सुनाऊं और गजल का शीर्षक है बरसों बाद आए। आज वो इस राह बरसों बाद आए, जख्म सीने पर लगे वो याद आए। आज वो इस राह बरसों बाद आए, जख्म सीने पर लगे वो याद आए। वो बिछाते ही रहे पत्थर जमी पर, वो बिछाते ही रहे पत्थर जमी पर, हम बना उससे नई बुनियाद आए। याद उनको थे नहीं वादे जरा भी, याद उनको थे नहीं वादे जरा भी, और दिल उनकी वफा पर शाद आए। बेख्याली में जिसे आवाज दी थी, बेख्याली में जिसे आवाज दी थी, बाद बे पैगाम में इरशाद आए। बारिशें यूं भी कभी होती सुनी हैं, बारिशें यूं भी कभी होती सुनी हैं, बूंद गिरने की कहीं ना नाद आए। देख लेना बारहा आकर जरा सा, देख लेना बारहा आकर जरा सा, वंदना की जब कभी फरियाद आए। उन्हें धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत आभार। जनसरोकार मंच का भी आभार और मैं अपनी इस काव्य यात्रा की इस छोटी सी प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।